जय श्री राम ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। और इस वीडियो में हम समझेंगे नेचुरल गैस अब कहाँ जाएगी। नेचुरल गैस में आपने देखा पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट जब इन्वेंट्री आई उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमने देखा बाजार में। मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे, बट इससे पहले हम अपने इंडियन मार्केट की बात करेंगे। इंडियन मार्केट में हम कहाँ खड़े हैं। इंडियन मार्केट में 150 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस फिलहाल ट्रेड कर रही है। और हालांकि अगर यहां से बॉटम से देखें, बॉटम से डबल बॉटम बनाया, हायर इस फॉर्मेशन अपने हाई के आसपास ही, और इस ब्रेकआउट के जो ये ब्रेकआउट लिया था बाजार ने इस वॉल्यूम के साथ, इसके ऊपर ही फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही है बाजार। 2 हफ्ते के फॉरकास्ट की बात करें तो कोई खास बाजार में डिमांड निकल के नहीं आ रही। माइल्ड वेदर रहने के चांसेस ज्यादा हैं, कोई ज्यादा ठंडी नहीं है, तो उम्मीद है बाजार कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास ही घूमता रहेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे और थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर होती हुई नजर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से, मैंने लगा रखा 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे बाजार ने सपोर्ट लिया, एक रैली यहाँ से दिखाई बाजार ने, आप देखो 144 रुपए के आसपास से। 144 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद 149 रुपए का सपोर्ट निकल के आया 15 मिनट के चार्ट पे, और उसके बाद एक निकल के आया 152 रुपए। ठीक है, नीचे से देखें, नीचे से बाजार ने रिकवरी दी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी लेवल के आसपास से रेंज बाउंड होकर हायर राइज फॉर्मेशन बाजार दे रहा है। ये हाई लगाया, नया हाई, हायर राइज फॉर्मेशन बाजार दे। लेवल्स की बात अगर करें हम यहाँ पे, तो क्या आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 151.10 के आसपास की क्लोजिंग दी। दोबारा मार्केट अगर ये वाला हाई काट के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से, अगेन कोई भी मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप सीख के समझ के ट्रेड करें, अपने विवेक अनुसार निर्णय लें अपनी ट्रेडिंग का, या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमोडिटी के लाइव बैचेस, लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग सिखाते हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे 152 के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है तो एक तेजी बाजार पकड़ सकता है। कहाँ तक जाएगा, मोटा मोटा मान के चलो आप बाजार 154-155 तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 155 के ऊपर, अगर ट्रेड करता है तो 157 और 160 रुपीस। तो ये कुछ हर्डल्स हैं बाजार के। तो आपको क्या ट्रेड प्लान करना है। बाजार में अगर करेक्शन आता है तो 149 तक आए बाजार तो ज्यादा ठीक रहेगा। वहां पे अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो ट्रेड करना ज्यादा सेफ रह सकता है बाजार 149 रुपीस के आसपास। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तब आप ट्रेड करोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। स्टॉप लॉस लगा के करें, अगेन बाजार में कोई भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड प्लान ना करें। ठीक है, ऊपर की तरफ यहां तक आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस दोबारा हो सकते हैं। आप देखो यहाँ से बाजार किस तरीके से घूमा था ब्रेकआउट देने, ब्रेकडाउन देने के बाद, तो दोबारा भी यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को बाजार में मिल सकता है। तो फर्स्ट सपोर्ट बाजार का 149 मैंने यहाँ पे बताया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट 149 भी अगर बाजार होल्ड नहीं करता तो बाजार कहाँ तक आके रुकेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में निकल के आता है 147.50 रुपए, देन 144 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जो अच्छे सपोर्ट है, जो गुड सपोर्ट है बाजार के, वो क्या क्या है गुड सपोर्ट, क्योंकि बाजार दोनों तरफ चाल खेलता है। 144 एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 149 का, एक अच्छा सपोर्ट, जहां पे अगर आपको प्राइस एक्शन मिल जाता है तो एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ बनाए अगेन, तो बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तभी ट्रेड करें। ऊपर की तरफ देखो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये लेवल ये 154 के आसपास का, देन 156-157 के आसपास का। 1 आवर के चार्ट पे दोबारा चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखो कहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद फिर यहाँ से आई प्रॉफिट, तो 160 रुपए का कहीं ना कहीं एक रफ लेवल बनता है। बाजार वहां तक जा सकता है अगर दोबारा प्राइस एक्शन बना के 152 रुपए के ऊपर टिकता है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 152 रुपए के ऊपर बाजार टिकता है तो 160 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट उम्मीद ऐसी है ये तभी होगा 152 रुपए ऊपर बाजार में जब इन्वेंट्री आ जाएगी अगले हफ्ते। उससे पहले मुझे लग रहा है यहीं कहीं ये घूमता रहेगा।
ठीक है, ये सब चीजें भी आप एनालिसिस करना सीख जाते हैं प्रॉपर तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपने 9x चार्ट की तरफ, बट उससे पहले आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। घंटा बजाने से आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचने लगेगी। आपको अगर लगता है नेचुरल गैस कहां तक जाएगी कमेंट करके एक बार जरूर बताओ। और अभी फिलहाल अगर आप देखो $2 तक नहीं पहुंच पाई नेचुरल गैस इस महीने, कि 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया है नेचुरल गैस फ्यूचर 1 आवर 9x पे जो ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 15 मिनट चार्ट पे अगर ध्यान से देखो आप, बाजार में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद क्या कर रहा है बाजार, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद बाजार उठा, हायर हाई फॉर्मेशन, बाजार दोबारा उसी रेंज में आ गया, वहीं से प्राइस एक्शन बना के उठ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये पता लग रहा है बाजार कहीं ना कहीं लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया अब दोबारा यहीं से सपोर्ट लेके उठ रहा है, ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो बाजार में आपको 1.779 एक लेवल है, इसके ऊपर टिका रहता है तो ठीक है बाजार कहाँ तक ऊपर की तरफ है, कर्डल फिर मिलेगा आपको 1.836 देन 1.88, 1.88 से 1.90 की एक रेंज बन जाएगी बाजार में, प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। 1.90 के ऊपर भी टिकता है तो फिर $2 की रेंज नेक्स्ट निकल के आती है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट इस वाले चार्ट के हिसाब से, 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही लग रहा है अभी फिलहाल, जब तक कि ये 1.779 के ऊपर टिका रहता है। वीकनेस कहाँ करें बाजार में, देखो वीकनेस अगर प्लान करनी है वीकनेस तो बाजार इन लेवल्स के आसपास आए, 1.836 के आसपास आए तो एक बार कोई वीकनेस बन सकती है, वहां से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये मत सोचना ये हाई ब्रेक होगा तो तुरंत ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ट्रैप हो सकते हो आप इस जगह। और नीचे की तरफ एक सपोर्ट फिर बाजार में निकल के आ रहा है 1.762 के आसपास का, 1.762 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर बाजार 1.772 को भी होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है ये जो नीचे का एक सपोर्ट लगा के दोबारा उठाया ना, दोबारा इसी रेंज में आता हुआ फिर बाजार दिखाई दे सकता। तो ये था एनालिसिस नेचुरल गैस का, कोई क्वेश्चन दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। It's not a game, it's a rich game.